जय हिंद साथियों, मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप नेशनल न्यूज के बारे में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट न्यूज निकल के आती है मेहुल चौकसी को लेकर। मेहुल चौकसी पीएनबी स्कैम के डिफॉल्टर्स हैं, जो कि देश को छोड़कर डोमिनिका कंट्री में चले गए थे और वहां पर उनको पकड़ा और इंडिया वापस लाने की उनकी तैयारी की जा रही है। ये फोटो बारबरा का है, यह सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है और इनको मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है, लेकिन इन्होंने क्लेरिफाई किया है कि मैं मेहुल चौकसी की जीएफ नहीं हूं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है इलेक्शन डिपार्टमेंट से अनुप चंद्र पांडे को अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर। ये जो है आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र ने एक नई डीएल लाइसेंस को लेकर शुरुआत की है। अब महाराष्ट्र में आधार बेस्ड पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो है घर से ही मिल जाया करेगा। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है वैक्सीन सर्टिफिकेट्स के ऊपर करेक्शन को लेकर। काफी सारे केसेस में ये देखा गया है जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उस पे नाम गलत है या फिर उसका एड्रेस गलत है या कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है रॉन्ग लिखी हुई है, तो अब जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट पर उन गलतियों को ऑनलाइन सुधारा करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है वैक्सीन से रिलेटेड, जिसमें कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उस पर फेज 4 का ट्रायल चल रहा है और फेज 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। भारत बायोटेक का कहना है कि फेज 3 के जो डेटा होंगे वो जुलाई में शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है कोविड-19 की थर्ड वेव को लेकर। एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि ऐसा कोई भी डेटा नहीं मिला है कि जो थर्ड वेव है वो चिल्ड्रंस को ज्यादा इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है इंडियन रेलवे को लेकर। हाल ही में गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे के लिए 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अलॉट किया है इन 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 25,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है मॉनसून से रिलेटेड। जैसा कि हमें पता है कि मॉनसून ने मुंबई में एंट्री ले ली है। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि वहां पर हैवी रेन देखने को मिली है। होप करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करें। आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।